हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे पफ स्लीव्स की डिजाइन। इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट मैंने ब्लाउज का पहले ही चैनल पर अपलोड किया है। फ्रंट पार्ट मैंने प्रिंस कट पर बनाया है और बैक पार्ट मैंने डीप नेक डिजाइन का बनाया है। अभी हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है, तो स्लीव्स की लेंथ रखी है मैंने 10.5 इंच, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है मैंने। अब स्लीव्स का आर्म होल आ रहा है हमारा 8.5 इंच, और 3.5 इंच पर मैंने स्लीव्स को डाउन किया है और अच्छी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच की हमने मार्जिंग रखी है। अब हमें स्लीव्स का राउंड लेना है, तो राउंड है हमारा 5 इंच और 2 इंच मार्जिंग का रखते हुए ऐसी हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ऊपर की और बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए देंगे। देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के हिसाब से हमें स्लीव्स को कट कर लेना है और आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट के आर्म होल की कटिंग हम स्टिचिंग के बाद दे देंगे। अभी हम न्यूज़पेपर पर कटिंग करना है, तो ये हमारा नीचे से कट आ रहा है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेंगे हम न्यूज़पेपर, और 1 इंच छोड़ते हुए हमें पूरी स्लीव्स रखना है। और स्लीव्स रखने के बाद एज इट इज स्लीव्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के हिसाब से हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। अब हमारा है जरी का फैब्रिक है, वो नीचे की तरफ आएगा, तो जरी का मेजरमेंट लेते हैं। वो आ रहा है मेरा 4.5 इंच पर, तो 4.5 इंच की मार्जिंग लेते हुए 4.5 इंच पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, 4.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी लाइन को हमें कट कर लेना है। अरे, हम जरी के फैब्रिक के लिए रखेंगे। ऊपर की स्लीव्स हमें रेडी कर लेनी है, तो जैसे हमने न्यूज़पेपर जितना है उससे डबल हमें मेन फैब्रिक लेना है। देखिए, 2 फोल्ड करते हुए मेन फैब्रिक लिया है और 6 इंच पर ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अरे, 6 इंच छोड़ते हुए हमें प्लेट्स बना लेनी है पूरे मेन फैब्रिक की। स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्लेट्स बनाएंगे। 1/2 इंच के मार्जिंग पर ऐसे प्लेट्स बना लेनी है पूरे स्लीव्स की। देखिए, इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरे स्लीव्स के हमें प्लेट्स रेडी कर लेने हैं। अब ऊपर की तरफ भी हमें 6 इंच छोड़ते हुए पूरे प्लेट्स बराबर से लानी है। बराबर प्लेट्स बनाते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ हमें प्लेट्स बनाएंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे फैब्रिक की हमें ऐसे प्लेट्स रेडी कर लेने हैं। देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये प्लेट्स रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो ऊपर का न्यूज़पेपर का स्लीव्स है उसको बराबर से रखते हुए, एज इट इज बराबर रखते हुए, उसके बराबर से हम पूरे स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। देखिए, स्लीव्स के राइट साइड पर रखना है हमें न्यूज़पेपर, और उसके न्यूज़पेपर के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। अब हमारा न्यूज़पेपर के बाहर जो मेन फैब्रिक आ रहा है उसको बराबर से न्यूज़पेपर के बराबर से ही हमें कट कर लेना है। अब हम न्यूज़पेपर निकाल लेंगे। देखिए, ऐसा फैब्रिक को सीधा करते हुए हमें न्यूज़पेपर निकाल लेना है। देखिए, इसी तरह से पूरा न्यूज़पेपर हमने निकाल लिया है। अब हमारा जो जरी का फैब्रिक है उसको अटैच कर लेना है नीचे से। नीचे से जरी अटैच कर लेनी है, तो बराबर से 1/2 इंच का मार्जिंग कवर करते हुए हम जरी को अटैच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बराबर से रखते हुए हम अटैच कर लेंगे पूरे फैब्रिक को, और बराबर से स्लीव्स के बराबर से उसको कट कर लेना है। अब जरी को पलटाते हुए उसके ऊपर से एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए, इसी तरह से हमारी जरी अटैच हो चुकी है। अब हमने जो अस्तर के फैब्रिक की स्लीव्स की कटिंग की थी उसको बराबर से रखते हुए, जरी के बराबर से रखते हुए, उसको भी 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर लेनी है।
अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें स्लीव्स के बराबर से ही कट कर लेना है और छोटे कट्स लगाएंगे। अब हम अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ पलटाते हुए हमें ये स्टिच करेंगे और अब पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉपी स्टिच कर लेनी है नीचे से। अब हमें फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। देखिए अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है। अब फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।